तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पबजी मोबाइल के अंदर जो आप लोगों का मेट्रो रॉयल मोड है तो उसके अंदर जो न्यू भी प्लेयर है, जैसे कि मैं एक न्यू भी प्लेयर हूँ, तो यहाँ पर जो न्यू प्लेयर्स आते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पर हम लोग मेट्रो रॉयल के अंदर ज़्यादा मेट्रो कैश कैसे अर्न करें। ठीक है, यहाँ पर मेरे को कल भी एक मेरे भाई ने, यहाँ पर सब्सक्राइबर भाई ने यहाँ पर बताया कि एक वीडियो बना दो जहाँ पर मैं यहाँ पर मेट्रो कैश को यहाँ पर ज़्यादा कैसे अर्न कर पाऊँ हर एक मैच के अंदर, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर बता दो। ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को एक यहाँ पर चीज़ें, दो तीन चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। दो तीन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप लोगों का इजीली यहाँ पर जो है आप लोगों का हो जाएगा, मतलब मेट्रो कैश अच्छा खासा हो जाएगा, एंड उसके हेल्प से आप लोग अच्छा खासा ब्लैकआउट मार्केट से, या फिर बोल सकते ब्लैक मार्केट से आप लोग आपके हिसाब से यहाँ पर जो ओपी आइटम्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर येलो आइटम्स वगैरह जो जो होता है वो सारे ले सकते हो। ठीक है, येलो आइटम्स, फिर आप लोगों का जो रिफाइंड आइटम्स वगैरह होता है वो आप लोग ले सकते हो, जैसे कि आप लोग हॉट ड्रॉप के अंदर होता है, यहाँ पर हॉट आइटम्स के अंदर होता है, क्रेट वगैरह ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्रेट वगैरह ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पर आप लोगों को आइटम्स वगैरह मिल सकता है, लेकिन आप लोगों का जो आइटम्स है, प्रीमियम पैक्स है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो उनको ओपन करने के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए अच्छा खासा मेट्रो कैश। तो ये मेट्रो कैश आप लोगों को कैसे ज़्यादा मिलेगा तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो आप सब लोग जानते होंगे कि इस बार को मेट्रो रॉयल मोड के अंदर आप लोगों का पबजी मोबाइल के अंदर चैप्टर 21 के अंदर आप लोगों का न्यू अपराइजिंग ज़ॉम्बी मोड यहाँ पर ऐड हो चुका है, एंड इसी को लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि यहाँ पर जो रेड क्रेट्स है वो हम लोगों को कहाँ कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेड क्रेट्स को ढूंढने का एक मेजर कारण है कि आप लोगों का उन रेड क्रेट्स को अगर आप लोग ओपन करते हो तो उन रेड क्रेट में से आप लोगों को बोल सकते हो जो मिथिक आइटम्स है वो आप लोगों को कभी कभार मिल जाता है। अगर मिथिक आइटम्स नहीं भी मिलता है ना तो सीपीयू प्रोसेसर वो जो होते हैं वो आप लोगों को मिल जाता है अच्छा खासा। ठीक है, वाटर प्यूरीफायर, ये सारी चीज़ें मिल जाता है जिनको आप लोग यहाँ पर मैच खत्म करने के बाद अगर आते हो तो आप लोग उसको सेल करके अच्छा खासा यहाँ पर जो है यहाँ पर मेट्रो कैश को अर्न कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास भी यहाँ पर बहुत सारा है चीज़ें, यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाता है, 1,50,000 है, फिर आप लोगों का ये जो चीज़ है जिसका वैल्यू आप लोग देख सकते हो 2,88,000 आप लोगों का 1,000 है, तो यहाँ पर आप लोग समझ ही सकते हो ये सारी चीज़ें आप लोग इजीली उन जो रेड क्रेट्स है इसमें से मिल जाता है। वाटर प्यूरीफायर 2-3 करके आप लोगों का हर एक रेड क्रेट से मिल जाता है, तो वो जो रेड क्रेट्स का लोकेशन क्या है वो बताऊंगा। साथ में यहाँ पर आप लोगों का जो इस अपडेट का जो मेन चीज़ है वो है कि आप लोगों का जो मैप है, और एक मैप है जिस मैप के अंदर आप लोग अगर जाओगे, जो जो लोकेशंस मैं बताऊंगा उन लोकेशंस पे अगर आप लोग जाओगे तो फिर आप लोगों को मिलेगा आप लोगों का एक सी पोर्टल, जैसे आप लोगों का एक न्यू चीज़ आया है ना तो वो आप लोगों को देखने के मिल जाएगा, तो उनका लोकेशंस भी बता दूंगा, वो थोड़ा सा रैंडम है। ठीक है, 15 से 16 लोकेशंस में बता दूंगा, तो उन लोकेशंस पे जाओगे तो आप लोगों का एक दो में भी आप लोगों का उस टाइम पे प्रेजेंट ना हो, लेकिन नेक्स्ट 2-3 मैच के अंदर जब आओगे तो वहां पर आप लोगों का प्रेजेंट हो जाएगा। तो 15 से 16 में प्लेसेस बता दूंगा, वहां पर जाओगे तो उनमें से अगर वो पोर्टल्स को आप लोग जो है सी पर्ल पोर्टल या ट्रॉफी जो भी बोलो उसको अगर ओपन करते हो तो फिर आप लोगों को उसके अंदर से भी आप लोगों को और भी ज्यादा आइटम्स मिलेगा। ठीक है, एंड अगर आप लोगों का जो यहाँ पर वो टाइटल वाला चीज हो चुका है तो आप लोगों का अगर ऑड ट्रेन टिकट आप लोगों का उसमें से आप लोगों को फिर से मिल भी जाता है तो भी आप लोगों का फायदा है, क्योंकि ऑड ट्रेन टिकट का भी वैल्यू अच्छा खासा है अगर आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट सेल भी कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हो आप लोगों को अच्छा खासा आइटम मिलेगा तो आप लोग उसको लॉक बॉक्स के अंदर डाल देना, एंड अगर आप लोग मर भी जाते हो तो आप लोगों का वो लॉस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे यहाँ पर अच्छा खासा जो चीज़ें हैं आप लोगों को मिलेगा, मतलब लोकेशंस क्या क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो ज़ॉम्बी मोड का, तो ज़ॉम्बी मोड के अंदर आप लोगों का यहाँ पर जो अपराइजिंग वाला जो ज़ॉम्बी मोड है तो वहाँ पर आप लोगों को जो मैप है वहाँ पर आ जाना है। ठीक है, तो इस मैप के अंदर जो जो लोकेशंस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, साइट के जो लोकेशंस है यहाँ पर आप लोगों का कन्फर्म है कि हर एक मैच में आप लोगों को यहाँ पर रेड क्रेट मिलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग रेड क्रेट के पास जाओगे तो आप लोगों को ज़ॉम्बीज देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप लोगों का रेड क्रेट एक्टिवेट करते हैं और ज़ॉम्बीज आप लोगों का एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ॉम्बीज को पहले मार देना, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखना कि ज़ॉम्बीज को भी जब आप लोग मारोगे तो भी आप लोगों का अच्छा खासा यहाँ पर आइटम्स आप लोगों को मिलेगा, एंड उन आइटम्स को आप लोग कलेक्ट करोगे तो आप लोगों का ही फायदा, एंड साथ में यहाँ पर आप लोगों का वो क्रेट जब ओपन करोगे तो आप लोगों का और ट्रेन टिकट्स भी मिल सकता है, रैंडम है, बहुत ज़्यादा रैंडम है वहाँ पर और ट्रेन टिकट्स, लेकिन उसके अलावा आप लोगों का और दो जो आप लोगों का मिथिक आइटम है जो प्लान वगैरह जो है वो अभी आप लोगों को मिल सकता है, या फिर लेजेंडरी आइटम्स भी मिल सकता है जिसका भी वैल्यू अच्छा खासा है, जो आप लोग यहाँ पर लॉक बॉक्स के अंदर डाल देना। ठीक है, एंड इससे भी आप लोगों का फायदा ही फायदा। ठीक है, तो आप लोग कम लूट लेके जा सकते हो, एंड आप लोग लूट वगैरह करके आप लोग लॉक बॉक्स के अंदर डाल के आप लोग मर जाना तो भी आप लोगों का फायदा है। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो लोकेशंस में दिखा रहा हूँ तो इन लोकेशंस पे आप लोगों को रेड क्रेट जो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, छोटे छोटे जो एरियाज होगा वहाँ पर आप लोगों का जो बीचों बीच जो होगा बीचों बीच में आप लोगों को रेड क्रेट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये छोटे छोटे विलेज होगा। ठीक है, एंड इसके अलावा आप लोगों का जो सेंट्रल वाले एरिया है, पावर प्लांट वाला एरिया है, वहाँ पर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि आप लोग अगर मतलब
मतलब मेट्रो कैश आप लोग अगर मतलब फार्मिंग कर रहे हो ना, फार्मिंग मतलब आप लोग जानते होंगे कि सीओसी प्लेयर हो, क्लैश ऑफ क्लैंस प्लेयर हो, फार्मिंग कर रहे हो मतलब जमा कर रहे हो, तो फिर आप लोगों को मैं बोलूँगा कि पावर प्लांट वगैरह आप लोग अवॉइड करो, जो आप लोगों का साइड वाले बेसिस है उनको आप लोग फोकस करो, कम लूट लेके जाओ। आप लोग यहाँ पर जो रेड गेट्स है उनको ओपन करो, अच्छा खासा आइटम मिलता है तो लॉक बॉक्स के अंदर डाल दो, उसके बाद आप लोग बंदों से मर भी सकते हो, ठीक है। तो मैच खत्म करके आओगे तो वो आइटम्स आप लोगों को मिल जाएगा, उनको सेल करो, आप लोगों का ही फायदा, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक उपाय हो गया, ठीक है, जहाँ से आप लोगों को रेड गेट का लोकेशन मैंने बता दिया। इसके अलावा और एक आप लोगों का चीज़ है, वो है आप लोगों का ये जो मिस्टी पोर्ट, तो मिस्टी पोर्ट के अंदर आप लोग अगर जाओगे, मिस्टी पोर्ट के अंदर जाने के बाद आप लोग एडवांस मोड के अंदर जाकर एसॉल मोड के अंदर चले जाना, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को इस मोड के अंदर आप लोगों का ये जो लोकेशंस मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लोकेशंस मैं दिखा रहा हूँ, 16-17 लोकेशंस मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इन लोकेशंस पे जैसे आप लोग जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो सी पोर्टल ट्रॉफी बोल सकते हो वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभार आप लोगों का यहाँ पर एक नंबर या दो नंबर बेस पर आप लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन थर्ड या फोर्थ बेस पर जैसे ही आप लोग जाओगे तो आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। ये रैंडम है, एंड कभी कभार हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 सारे जगह पर ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, 5th या 6th प्लेस पे आप लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है। एंड सिर्फ आप लोगों का ये आप लोगों का जो ट्रॉफी है उसका ही लोकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन आप लोगों का जो अच्छा खासा जो क्रेट है जो आप लोग ओपन करने के बाद आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर लूट मिलेगा, उसका भी यहाँ पर लोकेशंस दिया गया है। मतलब इन जो लोकेशन है, इन लोकेशंस को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो फिर आप लोगों का फायदा है, इन लोकेशंस पे जाते ही आप लोगों का क्रेट ओपनिंग या आप लोगों का जो भी देखिए आप लोगों का जो ट्रॉफी है सी पोर्टल ट्रॉफी भी अगर दिखता है तो उसको ओपन करते हो तो आप लोगों को अच्छा खासा वहाँ से लूट मिलेगा। जो सी पोर्टल ट्रॉफी है ना उसके अंदर से कन्फर्म है आप लोगों का अच्छा खासा लेजेंडरी आइटम्स मिलेगा या फिर मिथिक आइटम्स मिलेगा, ठीक है। मिथिक आइटम्स आप लोगों का उसका मिलने का चांस होता है 60% एंड लेजेंडरी आइटम्स मिलने का चांस होता है 80%, ठीक है। तो आप लोगों का वो ट्रॉफी जो है उसका ऐसा ही वैल्यू है। एंड इसके अलावा आप लोगों का नॉर्मल जो अगर क्रेट्स भी दिख जाता है ये जो लोकेशन में दिखा रहा हूँ उसमें से, तो उनको आप लोग जरूर से ओपन करना क्योंकि उसके अंदर से आप लोग का अच्छा खासा यहाँ पर चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। एंड अच्छा खासा लूट वगैरह करके अगर आप लोगों को मिथिक या अच्छा खासा लेजेंडरी आइटम्स मिलता है तो वो आप लोग लॉक बॉक्स के अंदर डाल देना, डालने के बाद आप लोग यहाँ पर नॉर्मल से आप लोग यहाँ पर निकल के आ जाना, मतलब जो आप लोग का ग्रीन लाइट एरिया होगा वहाँ पर रिटर्न वाला ऑप्शन से आप लोग रिटर्न आ जाना, तो आप लोग का ही मजे मजे। एंड और एक बात दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि आप लोग मिस्टी पोर्ट एसॉल मोड अगर खेलना चाहते हो तो आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगा कि फाइन टीम मेट्स के अंदर जाना, जाने के बाद यहाँ पर रिक्रूट के अंदर जाना एंड जो जो सेटिंग्स है लोड आउट वैल्यू 0 फिर नान फिर माइक्रोफोन ये वाला सेट करके आप लोग सेंड करना, उसके बाद आप लोग यहाँ से स्टार्ट करो, आप लोगों को अच्छा खासा प्लेयर्स मिलेगा, ठीक है। रैंडम आप लोग ऑटो मैच मेकिंग आप लोग ऑन मत करो, आप लोगों का अच्छा खासा प्लेयर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी हो मैं अभी तो नहीं खेलने वाला हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए बताया, तो आप लोग यहाँ पर फाइन टीममेट्स से करना, आप लोगों का ही फायदा है, अच्छा खासा प्लेयर्स आएंगे जो आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर सकता है। हाँ चाइनीज लोग भी आएंगे लेकिन यहाँ पर आप लोगों का ही फायदा है क्योंकि वो कभी कभार इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए यही आप लोगों का प्रोसेस है जहाँ से आप लोग अच्छा खासा लूट वगैरह मिलेगा, लूट करके आ जाना, उसके बाद आप लोग सेल कर देना, यहाँ पर आ जाना, उसके बाद आप लोग सेल आइटम के अंदर जाकर ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से यहाँ पर जो है सेल वगैरह कर लेना, ठीक है। तो आप लोग आपके हिसाब से यहाँ पर सेल वगैरह कर लेना, जैसे कि ये वाला चीज़ अगर मैं सेल करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो 5 में अगर सेल करता हूँ तो यहाँ पर 1500 मेरे को मिल जाएगा, तो यहाँ पर मेट्रो कैश मेरे को 1500 नहीं मतलब 1,50,000 ऐसा कुछ मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग इसको भी सेल करना चाहते हो यहाँ पर देख सकते हो 2,02,000 यहाँ पर ऐसा कुछ है, 2,02,800 यहाँ पर है। इसके बाद अगर मैं प्रोसेसर को यहाँ पर सेल करता हूँ तो 1,45,000 यहाँ पर ऐसा कुछ है मेट्रो कैश मेरे को मिल गया। तो ऐसे ही आप लोग जो मेट्रो कैश को यहाँ पर फार्मिंग कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो फिलहाल के इन्फॉर्मेशन आपको देना था, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब प्लीज़ सी यू एंड पीस आउट।